देश में जारी है कोरोना का कहर, लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा मौत, 24 घंटे में मिले 3,62,000 से ज्यादा मरीज। प्रदेश के ताजा हालात पर सभी जिलों के डीसी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक, कोरोना केस और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस, 14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। वैक्सीन के लिए टेंडर निकालेगी हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी, वैक्सीन के लिए निकाले जाएंगे ग्लोबल टेंडर, जल्द वैक्सीन मुहैया करवाने की कोशिश। घाटे के बावजूद प्रदेश में चल रही है रोडवेज की बसें, हर रोज हो रहा है करोड़ों का नुकसान, भिवानी और यमुनानगर में परिवहन विभाग की हुई खस्ता हालत। कैथल अस्पताल मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ से रिपोर्ट की तलब, अस्पताल में बिहार मरीजों की तस्वीर आई थी सामने, इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। हरियाणा आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लगातार दो दिन तक कम मामले आने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में दोबारा से 3.5 लाख का आंकड़ा पार किया गया है, मौत का आंकड़ा भी लगातार दूसरे दिन 4000 के ऊपर बरकरार रहा है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,62,000 मामले आए सामने, जबकि 4,127 मरीजों की मौत हुई है और अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम ओपन लेटर लिखा, यह खुला पत्र 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने लिखा। इस लेटर में विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने, बेरोजगार के लिए 6,000 रुपए प्रति महीना देने जैसे मांग की है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार ने अपना विवादित फैसला वापस ले लिया है, अब 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आधार और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,771 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 816 मरीजों की मौत हो गई, राज्य में अब तक 78,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केस आए सामने, 300 मरीजों ने दम तोड़ दिया, दिल्ली में अब तक 82,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 12,490 से ज्यादा केस मिले, जबकि 14,264 मरीजों ने कोरोना को मात दी, 24 घंटे में 165 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। फिर गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस मिले, जिले में 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई, 9 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी। फरीदाबाद में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीज मिले, 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया और 2100 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर लौटे। हरियाणा में 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है, कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने जा रहा है, कोरोना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार को विश्व में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो सरकार जल्द से जल्द लाकर नागरिकों को लगाएगी। ऑक्सीजन आवंटन को लेकर हरियाणा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में केंद्र के सामने उठाया। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में 85,000 एक्टिव मरीजों पर 700 एमटी ऑक्सीजन और हरियाणा में 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों पर महज 258 एमटी ऑक्सीजन दी जा रही है। अंबाला में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, शहर की एक फैक्ट्री से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। डीसी के आदेश पर प्रशासन ने फैक्ट्री पर छापेमारी की और सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। पकड़े गए 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों में से 250 भरे हुए थे और करीब 250 खाली थे। फैक्ट्री मालिक सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम इन सिलेंडरों का इस्तेमाल फैक्ट्री चलाने के लिए कर रहा था। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची आरटीए ने सभी सिलेंडर्स को सीज करने के आदेश देने के साथ साथ पुलिस को फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। सिरसा में मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि 50 रुपए कीमत का इंजेक्शन 350 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि दूसरे मेडिकल स्टोर पर यही इंजेक्शन 40 से 50 रुपए में मिल रहा है। कोरोना के इलाज की दवाइयों के रेट प्रशासन ने तय किए हैं, बावजूद इसके मेडिकल संचालक ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। पीड़ित उपभोक्ता ने बताया कि अलग अलग टाइम पर करीब 15 इंजेक्शन खरीदे। सभी इंजेक्शन सुपर मेडिकल स्टोर संचालक ने निर्धारित से कई गुना ज्यादा रेट पर दिए। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के चलते परिवहन विभाग को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अकेले यमुनानगर में परिवहन विभाग को हर रोज 10,00,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा। यमुनानगर रोडवेज के बेड़े में 141 बसें हैं जो लॉकडाउन से पहले देश के अलग अलग राज्यों में सवारियां लेकर जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद अधिकांश दूसरे राज्यों में बसें नहीं जा रही। यमुनानगर के साथ कुछ जिलों में बसें जा रही हैं। बसों में जहां पहले 52 सवारियां बैठाई जाती थी तो वहीं अब 30 से 35 यात्रियां बैठाए जा रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग लागू रहे। रोडवेज के महाप्रबंधक का कहना है कि पिछले 10 दिनों की बात करें तो रोडवेज विभाग को लॉकडाउन से 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो घाटे के बावजूद हरियाणा रोडवेज की बसें चल रही है। हर रोज 16,00,000 कमाने वाली भिवानी डिपो की बसें अब सिर्फ 60 से 65,000 रोजाना कमा रही हैं। भिवानी डिपो के जीएम ने कहा कि जरूरी काम के लिए जा रहे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये बसें चलाई जा रही है जिनमें कोरोना नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है। जंद में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 40 सदस्यीय पदाधिकारी बनाकर कई अहम फैसले लिए। 40 सदस्यीय पदाधिकारी में मुख्य तौर पर महिलाओं और युवाओं की जगह दी गई है जो आंदोलन की कामना संभाल। महिलाओं ने कहा कि अब वो आंदोलन को मजबूत करेंगे। महिलाएं अब चूल्हा चौका और गोबर तक सीमित नहीं। किसानों ने कहा कि अब ये लड़ाई कानून बदलने के साथ साथ अब व्यवस्था परिवर्तन को लेकर भी है। बीकेयू के जिला प्रधान ने बताया कि 40 किसानों को जिला स्तर और खंड स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसानों को पता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, किसने मजबूत देने के लिए किसान संगठन का विस्तार किया गया। महिलाएं अब गांव-गांव जाकर टीम बनाएंगी और 2024 तक भी लड़ाई जारी रखने के लिए सबसे आगे भूमिका में नजर आएंगी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद अब टीवी अभिनेत्री और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मुख्य कलाकार मुनमुन दत्ता के खिलाफ चरखी दादरी में शिकायत दर्ज कराई गई। मुनमुन दत्ता पर दलितों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। एसपी ने कहा कि पुलिस को शिकायत मिली है जिसने मुनमुन दत्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आरोप है कि मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर अनुसूचित जाति समाज का अपमान किया। वीडियो में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया है। विवाद बढ़ने पर उन्होंने पोस्ट शेयर करके माफी भी मांगी। चरखी दादरी पुलिस की टीम ने चंपापुरी जलघर में व्यक्ति की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विकास नाम का व्यक्ति चंपापुरी जलघर में घूमने गया था, उसी समय आरोपियों ने उस पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। अंबाला में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है।
ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच अंबाला प्रशासन की यह पहल राहत देने वाली है। अब घरों में पर आइसोलेट रहने वालों को मुहैया कराया जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर मरीजों को उनके घर पर ही ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद यह आवेदन जिला रेड क्रॉस के पास पहुंचेगा और वहां से मरीजों को उनके घर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस योजना में डॉक्टरों का परामर्श भी लिया जाएगा और जिसे जरूरत होगी उसी को ऑक्सीजन दी जाएगी। हरियाणा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो और मरीजों की सांस पर संकट ना गहराए, इसके लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मनोहर सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। भारतीय रेल की मदद ली जा रही है। इसी कड़ी में ओडिशा के अनुगुल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन के टैंकर लेकर फरीदाबाद पहुंची ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। कोरोना का असर इस बार ईद पर भी दिखाई देगा। मुस्लिम भाई बिना गले मिले ही ईद मुबारक कहेंगे। करनाल में मुस्लिम समुदाय ने अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद आश्वासन दिया गया है कि हर्ष और उल्लास के साथ ईद मनाई जाएगी। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में भीड़ नहीं लगाएंगे। ईद के दिन नमाज घर में ही अदा की जाएगी। ईद पर गले लगकर मुबारकबाद देने की परंपरा भी रही है, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से ही मुबारकबाद देने की अपील भी की गई है। लॉकडाउन के चलते सही दाम नहीं मिलने से सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। सब्जी उगाने वाले किसानों का कहना है कि मंडी में जाने पर मुनाफा तो दूर की बात, लागत भी नहीं निकल पा रही। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन के चलते टमाटर, धनिया, बैंगन, शिमला मिर्च के दाम में गिरावट की वजह से किसान बर्बाद हो रहे की कगार पर है। खेतों में सब्जियां तैयार है, लेकिन मंडी जाने से पहले इन्हें तोड़ने और मंडी तक जाने में जो खर्चा आएगा वो भी निकालना मुश्किल हो रहा। ऐसे में सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। सब्जी उत्पादक किसानों ने बताया कि हजारों रुपए खर्च करके सब्जियां लगाई गई थी, लेकिन मंडी में ग्राहक नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ किसान तो आत्महत्या करने की भी बात कह रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण देश दुनिया में हाहाकार मचा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन रेवाड़ी के ईंट भट्टा संचालक लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ईंट भट्टे धरले से चल रहे हैं। हर ईंट भट्टे पर बिना मास्क लगाए मजदूर काम कर रहे हैं। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव की माने तो ये मामला मीडिया के माध्यम से इनके संज्ञान में आया है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एसडीएम ने भी ईंट भट्टा संचालकों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भिवानी के नागरिक अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना संक्रमित महिला के शव की बदली हो गई। 6 महीने को रामकली को कोरोना के चलते चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 9 मई को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद रामकली के पति और भाई ने रामकली का शव अंतिम संस्कार के लिए मांगा तो हाहाकार मच गया। सीएमओ ने जांच करवाई तो सच हैरान कर देने वाला मिला। बोंद गांव निवासी पुष्पा नामक महिला की भी कोरोना के चलते मौत हुई और पुष्पा की जगह ग्रामीण रामकली का शव ले गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 17 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट का केस दर्ज कराया है। मिलगेट थाना पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस को दी शिकायत में संतनगर निवासी भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने बताया कि वह अभिनेत्री होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी शेयर करती हैं। करनाल के सेक्टर 14 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को निशाना बनाने की चोरों की कोशिश नाकाम रही। चोरों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। उन्होंने ताला तोड़ लिया, बिजली की तारों के साथ छेड़छाड़ भी की, लेकिन एटीएम से पैसे निकालने में नाकाम रहे। करनाल की जेल में पिछले 3 से 4 दिन में 56 कोरोना संक्रमित हवालाती और कैदी मिले हैं। अभी बहुत से हवालाती की रिपोर्ट आनी बाकी है।
जेल में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग से बैरक बनाई गई है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि वहां डॉक्टर्स से लेकर मेडिकल स्टाफ मौजूद है और हर सावधानी बरती जा रही है। करनाल में कोरोना के 354 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 577 लोग ठीक होकर घर गए हैं। 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 5110 है। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। सरकारी अस्पताल की तस्वीर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कैथल सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। कैथल के नागरिक हॉस्पिटल के दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में मरीजों को बेड के साथ बांधकर रखा जा रहा है। अस्पताल में बुजुर्ग महिला को बिना किसी के सहारे जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मिनी बसों का एम्बुलेंस बनाया गया है। इन बसों में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जरूरी उपकरण रहेंगे। 110 बसों को तैयार कर गांव के लिए रवाना किया गया। यमुनानगर के रोडवेज के बेड़े में से 5 बसें प्रशासन को सौंपी गई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। इन एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं दी गई है। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर के महामारी अलर्ट है। सुरक्षित हरियाणा के तहत पाबंदियां लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनकी उल्लंघन करने वाले पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। डीआईजी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। डीआईजी ने कहा कि प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आपातकाल में आवागमन के लिए ई पास जारी कर रहा है। कुछ लोग ई पास का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे करते कई लोग पाए गए तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। डीआईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की कालाबाजारी के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम में नंबर पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले के नाम गुप्त रखा जाएगा। डीआईजी ने लॉकडाउन के दौरान हिसार शहर का दौरा कर पुलिस के लगाए गए नाकों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों का आयुषवाद इम्यूनिटी बूस्टर के पैकेट दिए, ताकि पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन के नियमों के पालन करवाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बच सके। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए बल्लभगढ़ में पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। बस अड्डे, चौकी, इंचार्ज टीम के साथ लोगों को समझाते हुए और नियमों को लेकर जागरूक करते हुए नजर आए। चौकी इंचार्ज ने लोगों को समझाया कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। ऑटो वालों को भी समझाया गया कि जो ज्यादा से ज्यादा सवारियों को ना बैठाए, अगर कोई ऑटो चालक नहीं माना तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उमेश कुमार ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से अगर बचना है तो लोगों को खुद ही बचाव करना होगा। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने पुलिस के साथ शहर में लॉकडाउन का जायजा लिया और डीएसपी सतीश कुमार के सहयोग से पुलिस टीम के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। नगर सचिवालय परिसर से फ्लैग मार्च शुरू करके एसडीएम प्रदीप कुमार ने शहर के मुख्य सड़कों, बाजारों के साथ ही गलियारों का भी जायजा लिया। एसडीएम ने आम जनता से कोरोना संक्रमण से सुरक्षित बने रहने के लिए 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल जरूर करने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि इस समय कोरोना से सेफ रहने के लिए हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। एसडीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान सख्ती से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। एसडीएम ने कहा लॉकडाउन के दौरान लोगों के जागरूक का सामान निर्धारित किया गया रेट पर मिले, इसकी जांच करने के लिए जिला उपायुक्त ने टीम बनाई है जो दुकानों पर जाकर जांच करेगी। जाखल में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। लोगों में कोरोना के टेस्ट को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी बनी हुई है। कोरोना टेस्ट को लेकर के लोगों में अभी भी खौफ का माहौल है। कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों का आह्वान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का कहना है कि लोग समय पर आकर हल्की सी भी तकलीफ होने पर टेस्ट करवाएं, ताकि समय रहते बीमारी पर काबू पाया जा सके।
भिवानी में लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस आंधी बारिश में भी रात भर मुस्तैद रही। एसपी अजीत सिंह शेखावत के निर्देश पर सड़कों और गलियों में पुलिसकर्मी दिखाई दिए। डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों पर शिकंजा कसा गया, मास्क और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान काटा गया। सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन के साथ 5 किलो ज्यादा राशन देने की घोषणा की है, जिसका अब लोगों के फायदे भी मिलने लगे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में लोगों को मुफ्त राशन मिला, लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया। झज्जर के दिल्ली सीमा पर बहादुरगढ़ की टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बीते दिनों पश्चिम बंगाल की युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस के बुलावे पर किसान नेता योगेंद्र यादव एसआईटी के सामने पेश हुए। योगेंद्र यादव को पुलिस ने नोटिस भेजकर तलब किया था। उसे नोटिस पर योगेंद्र यादव पर एसआईटी के सामने पेश हुए योगेंद्र यादव ने जांच में सहयोग देने की बात कही। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी संयुक्त मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला के साथ छेड़खानी किए जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन उस समय पीड़ित का इलाज करना प्राथमिकता था। पीड़ित के पिता ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी, जबकि एफआईआर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसे लेकर उन्होंने सवाल उठाया। योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन को पहले भी बदनाम किया गया था और इस घटना का भी लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो और संयुक्त मोर्चा चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। करनाल के निजी हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर कूड़ा करकट और कुछ ऐसा सामान पड़ा बताया जा रहा है, जो कि जल्दी आग पकड़ लेता है। बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। देश में कोरोना महामारी के बेकाबू दूसरी लहर के बीच पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल की कीमत 22 से 25 पैसे तक बढ़ी, डीजल की कीमत में 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी हुई।